दिस वे सर, ये रहा आपका रूम। हाँ? द व्यू फ्रॉम द रूम इज सो ब्यूटीफुल। ओके, गिव मी द की। सॉरी सर, गिव मी द की। मैं करता हूँ ना सर। सर कुछ चाहिए तो मैं। डू नॉट डिस्टर्ब। ये टैग डू नॉट डिस्टर्ब का जो ये दरवाजे पे लटकता है, ये ओ हाँ यहाँ पर है, ये इधर। ओके या ओके ओके सर, गुड डे सर। व्हाट सर? गुड डे। देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस डे बॉय और एनी अदर डे। बाय। काफी वक्त के बाद अपने घर की दीवारों के अलावा कुछ और देखने को मिल रहा है। नीट एंड क्लीन फ्लोर, दीज यूजलेस थिंग्स ऑफ डेकोर, जरूरत से ज्यादा फर्नीचर, सो कॉल्ड फैंसी कर्टन्स एंड दिस ओवर ऑर्गेनाइज्ड बेड। आई ऑलवेज हेटेड दीज होटल रूम्स, नाउ दिस फील्स लाइक होम। वेल ऑलमोस्ट। इस तरह के होटल रूम्स में आपने कभी सोचा है कितने लोगों ने इस बेड को यूज किया होगा, कितनों को नींद नसीब हुई होगी और कितने अपने गिल्ट के साथ करवटे बदलते रहे होंगे, कितनी ही मुलाकातों का गवाह बना होगा ये होटल का कमरा, कितनी ही कहानियां ऐसी चार दीवारियों में कैद होती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है आर्या महादेवन की। She was a good soul. पर उसकी कहानी उतनी अच्छी हो या बुरी, कहानी तो कहानी होती है, और जिस कहानी में जुर्म जुड़ा हो वो मिस्टर एक्स से कैसे बच सकती है। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 15 अप्रैल 2016, बैंगलोर। होटल के रूम नंबर 807 के बाहर उस दिन भी बिल्कुल वैसा ही डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा था जैसा मैंने अभी लगाया है, लेकिन पिछले 36 घंटों से उस रूम का दरवाजा लॉक था, कोई बाहर नहीं आया और ना ही कोई ऑर्डर हुआ था और ना ही स्केड्यूल्ड क्लीनिंग। फ्लोर स्टाफ ने होटल मैनेजर से परमिशन लेके मास्टर की से रूम ओपन किया तो उसके होश उड़ गए। सर सर सर, रूम में लड़की की, सर लड़की की लाश। आर्या महादेवन, बहुत बड़ी वकील, सीनियर एसोसिएट अटॉर्नी ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म ऑफ कर्नाटका, एज 28। होटल मैनेजमेंट इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड पुलिस। रूम की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसमें था, और अब तक ना ही किसी और के होने के सबूत मिले थे। इट वॉज अ मिस्टीरियस डेथ। बेड पे आर्या की बॉडी पड़ी थी, वो भी ऐसे जैसे वो चैन की नींद सो रही हो, बस उसके मुंह से खून निकला हुआ था। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल और एक्सीडेंट। प्राइमा फेसी पुलिस को ये पॉइजनिंग का केस लगा। रूम से एक कॉफी कप मिला था, शायद पॉइजन उसी कॉफी से आर्या की बॉडी में दाखिल हुआ होगा, लेकिन किसने किया ये? कौन था उसके साथ? क्या वो अकेली थी इस रूम में या फिर कोई और भी आया था? कई सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने थे। होटल स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि रूम अंदर से बंद था और पिछले 36 घंटे से उस रूम में कोई भी होटल स्टाफ नहीं गया था। इंस्पेक्टर साहब, द रूम वॉज बुक्ड इन द नेम ऑफ द लॉ फर्म। अक्सर हमारे होटल में उनके कंपनी के लिए बहुत सारे रूम्स बुक होते हैं। मैडम ने अपनी ऑफिशियल आईडी दिखाकर ही चेक इन किया था। कॉर्पोरेट बुकिंग, यानी कि आर्या काम के सिलसिले में होटल आई थी, लेकिन फिर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड क्यों लगाया? क्या कोई और भी था उसके साथ? पुलिस ने आर्या के चेक इन करने से लेके पुलिस के आने तक का सारा CCTV फुटेज भी डिमांड किया। आर्या की मौत से जुड़े राज को बेपर्दा करने के लिए अब CCTV फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। पर्दे, एक सेकंड, ये पर्दे बंद ही रहे तो ही अच्छे लगते हैं, खुले हुए हों तो अंदर की सारी बात बाहर वालों को पता चल जाती है। मैं नहीं चाहता कि बाहर से आती हुई रोशनी भी मुझे डिस्टर्ब करे। अब तक तो आप भी जान गए होंगे कि आई प्रेफर लोनलीनेस, खालीपन।
बाहर से भी और अंदर तो खालीपन बस आई है। ये खालीपन अक्सर जुर्म और अफसोस का नतीजा होता है, वो अफसोस जो आपको अंदर से इतना खाली कर देता है कि यू स्टॉप फीलिंग एनीथिंग। किसी भी इमोशन से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। कनेक्ट से याद आया, कॉर्पोरेट बुकिंग की इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने आर्या के ऑफिस से कनेक्ट किया, जहां से मिली एक बड़ी ही अजीब जानकारी। एवरीवन वाज शॉक्ड क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आर्या को 2 दिन पहले ही फायर किया जा चुका था। आर्या के बॉस सीनियर अटॉर्नी अमित अय्यर वॉज वेरी शॉक्ड। आई डोंट नो व्हाट टू से। आर्या वॉज अ गुड एम्प्लॉई, लेकिन कुछ मिसकंडक्ट की वजह से उसे 2 दिन पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। पता नहीं क्यों उसने फर्म के नाम से होटल में रूम, टेक्निकली शी वॉज नॉट आवर एम्प्लॉय व्हेन शी डाइड, सो फर्म क्या ही कर सकता है सर। आर्या के बॉस ने अफसोस जताते हुए उसकी मौत से तुरंत पल्ला झाड़ लिया। ब्लडी कॉर्पोरेट हिपोक्रेट्स, जिस कंपनी के लिए लोग अपना टाइम, एनर्जी, फैमिली सब दांव पे लगा देते हैं, वो कॉर्पोरेट कंपनीज आपके मरने के 2 दिन बाद ही आपको अबैंडन कर देती है। पुलिस को ये बात क्लियर हो गई थी कि आर्य ने अपनी कंपनी की ऑफिशियल आईडी को मिसयूज करके होटल में चेक इन किया था, बट वाई वाई वो किस काम से वहां गई थी, किससे मिली, कहां गई। होटल के सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो गया कि आर्या के रूम में एंटर होने के बाद ना ही कोई उस रूम के अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। फिर आर्या की मौत कैसे हुई? क्या उसने सुसाइड किया? पर क्यों? और सुसाइड करने के लिए उसने होटल का रूम ही क्यों चुना? ये केस अब पेचीदा होता जा रहा था और पुलिस के पास आर्या के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि आर्या ने मरने से पहले एक ही इंसान को कई बार कॉल किया था और वो था सी ऑफिसर। आर्या अपनी जॉब के जाने से ऑब्वियसली काफी अपसेट थी। उस दिन उसने बार बार कॉल करके यही एक्सप्लेन करना चाहा कि वो इनोसेंट है, लेकिन सर उस पर फिनेंशियल इररेगुलरिटीज का चार्ज था। ऑफिशियल इंक्वायरी में शी वॉज फाउंड गिल्टी। मैं उसे कोई भी फॉल्स अश्योरेंस नहीं देना चाहता था, एंड दैट्स व्हाई मैंने कॉल पिक नहीं किए। पुलिस अब जान चुकी थी कि आर्या अपनी जॉब जाने से काफी अपसेट थी, लेकिन करियर रिकॉर्ड्स को देखने से पता चलता है कि आर्या वाज ग्रोइंग एक्सेप्शनली। पिछले 2 साल में उसके 3 प्रमोशंस हुए थे। फर्म की तरफ से इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अटेंड करने के लिए शी ट्रैवल्ड अब्रॉड आल्सो, बिजनेस क्लास टिकट्स, और अचानक ऐसे एम्प्लॉय की जॉब चली जाना, quite strange, don't you think? खैर, उसकी मौत की वजह ये जॉब थी या कुछ और, ये जानने के लिए पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। और रिपोर्ट आते ही ये साफ हो गया कि आर्या की मौत एक पॉइजन की वजह से हुई है। सारे सबूत यही इशारा कर रहे थे कि आर्या ने सुसाइड किया है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात और सामने आई, आर्या वॉज 3 months प्रेग्नेंट। और फिर हेलो सर, कुछ चाहिए तो मैं? नो, आई डोंट वांट एनीथिंग। हाँ मैं गाना, डोंट डिस्टर्ब मी। These hotel staffs are just unbearable. Extra sweet, extra politeness, extra service, which is total fake. I hate fake people because I am one myself. I am one of them. I agree. Anyway, कहाँ थे हम? हाँ, मरी हुई आर्या प्रेग्नेंट निकली। सो जरा सोचिए, एक लड़की जो 2 दिन पहले तक एक अच्छी खासी जॉब में थी, प्रेग्नेंट भी थी, वो सुसाइड क्यों करेगी? वो अपने साथ साथ एक अनबॉर्न चाइल्ड की जान क्यों लेना चाहेगी? ऐसी क्या मजबूरी थी? और इस बच्चे का बाप कौन था?
उसके कुछ ऑफिस कलीग्स ने बताया कि आर्या की शादी होने वाली थी और वो अक्सर अपने फियांसे के साथ होटल रूम्स में चेक इन करती थी। पुलिस ने आर्या के डैड से बात करना ही बेहतर समझा। क्या प्रेग्नेंट? ये आप क्या भूल रहे हैं सर, धूमधाम से उसकी एंगेजमेंट की थी। विश्वास एक बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता। विश्वास, आर्या का फियांसे, मंगेतर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इस केस में पहली बार एक सस्पेक्ट सामने आया था। क्या उसने आर्या के साथ कोई धोखा किया? आखिर आर्या को सुसाइड करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? अब जवाब देने की बारी विश्वास की थी। देखिए सर, ये सच है कि एंगेजमेंट के बाद मैं और आर्या मिलते थे। हम दोनों एक दो बार होटल्स भी हमने चेक इन किया, यू नो व्हाट आई मीन। बट ट्रस्ट मी, उसकी मौत से मेरा कोई लेने देना नहीं है। और जहां तक कि उसकी प्रेगनेंसी की बात है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। टू बी ऑनेस्ट, मैं और आर्या तो पिछले 6 महीने से काफी प्रॉब्लमैटिक टाइम से गुजर रहे थे। शी वॉज ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड इन मी। फिजिकल इंटीमेसी की तो बात ही दूर है सर, हम हार्डली मिल रहे थे। और मैं तो आर्या से एंगेजमेंट भी तोड़ने वाला था, एंड आई हैड स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर इट। एक मिनट, ये देखिए, कुछ दिनों पहले ही मुझे ये किसी अननोन सेंडर ने फोटोज भेजे हैं। लुक एट हर, शी इज इन बेड, वो भी बिना कपड़ों के। शी वॉज डेफिनेटली चीटिंग ऑन मी सर, कैसे कर लेता मैं उससे शादी। विश्वास ने भले ही अपनी सफाई में आर्या के कुछ ऑब्जेक्शनल फोटोज पेश किए, लेकिन अब इस केस में पहली बार सुसाइड का मोटिव सामने आया था। एंगेजमेंट टूटने की वजह से भी आर्या सुसाइड कर सकती थी, बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। क्या बताती वो दुनिया को? पुलिस टीम ने विश्वास के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए अब डीएनए टेस्टिंग का सहारा लेने की सोची। विश्वास का सैंपल ले लिया गया और आर्या की बॉडी से मिले फीटस का सैंपल लेकर मैच करने के लिए लैब भेज दिया गया। अब विश्वास और उसके अरेस्ट के बीच सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट बाकी था, जहां एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए कि वो बच्चा विश्वास का है, तो उस पे अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बन सकता था। लेकिन इससे पहले कि डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट आती, एक दूसरी रिपोर्ट ने इस केस में एक नया ट्विस्ट ला दिया। पुलिस ने विश्वास के दिए हुए फोटोज का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एक दिन में ही पुलिस के फोरेंसिक सेल ने पता कर लिया कि वो फोटोज केआर मार्केट के पास ही के एक डिजिटल फोटो लैब में बनवाई गई थी। सर, फोटोज तो यहीं डेवलप हुए हैं। ये फोन से लिए हुए फोटोज है सर, और ऐसे भी इन सभी फोटोज का रिकॉर्ड हम मेल पे रखते हैं। एक मिनट, फोटो स्टूडियो के मालिक ने जो ईमेल आईडी बताई वो उसी लॉ फर्म की थी, लेकिन वो ईमेल आईडी तो खुद आर्या महादेवन की थी। लेकिन आर्या अपने फोटोज खुद क्यों डेवलप करवाएगी? फिर पुलिस ने साइबर टीम और प्रॉपर वारंट के साथ लॉ फर्म के ऑफिस में रेड मारी। साइबर एक्सपर्ट्स ने इस केस में कुछ ऐसे डिटेल्स निकाले जिससे इस केस में एक नया सस्पेक्ट पैदा हो गया। ईमेल आईडी तो आर्या की ही थी, पर जिस सिस्टम से ये फोटोज भेजे गए वो सिस्टम आर्या के बॉस अमित का था। अमित जिससे आर्या होटल से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अमित जिसकी वेरिफिकेशन से ही इंक्वायरी टीम ने आर्या को कंपनी से निकाला था। पुलिस को ये डॉट्स कनेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, और जब पुलिस ने सबूत के साथ अमित को कन्फ्रंट किया तो वो टूट गया। That bitch was trying to blackmail me, huh? हमारा शादी का ना कोई कमिटमेंट नहीं था। We both just wanted to have some fun, casual fling, जिसके लिए मैंने उसको प्रमोशंस और पर्क्स भी दिलवाए। It was from both end. फिर एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और मुझ पे फिर वो शादी का प्रेशर बनाने लगी। क्या करता मैं, हाँ क्या करता, निकलवा दिया जॉब से उसे, और मैंने ही उसके फोटोज उसके फियांसे विश्वास को भेजे, सो दैट वो वही करे जो मैं चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेगी। एक्सट्रीम स्टेप, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप।
हम सोच भी नहीं सकते कि आर्या पे क्या गुजरी होगी जब उसने सुसाइड करने का एक्सट्रीम स्टेप लिया। अमित पे अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज तो लगा, लेकिन सच तो यही था कि उसने आर्या और उसके एक अनबॉर्न बच्चे का मर्डर किया था। वो आर्या महादेवन यहीं इसी होटल के इसी रूम नंबर 807 में यहां इसी बेड पर तड़प तड़प के मरी होगी। अपनी ही कॉफी में पॉइजन डालकर मौत का घूंट लेना। या कैन यू फील राइट हियर? व्हाट शी डिड वाज नॉट इजी, ट्रस्ट मी। उसके आखिरी पल कितने दर्दनाक रहे होंगे। आई कैन ऑलमोस्ट फील हर राइट नाउ। जुर्म डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, आई लाइक टू फील एवरी क्राइम। Smell the smashness right now. Oh, अगर ये होटल स्टाफ हुआ ना तो आज इसी कमरे में एक और मौत होगी। Yes. Hi. Hi. I'm Arya. Arya Mahadevan, lawyer from your wife's side. Call पे बात हुई थी हमारी? Yeah. Yeah. Sorry, I'm late. ये डिवोर्स पेपर्स आपकी वाइफ ने साइन कर दिए हैं। यू शुड ऑल्सो। यस, आई कैन साइन इट। कागज में कैद रिश्ते, और शुड आई से कागज से आजाद होते रिश्ते। क्या? नथिंग। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? प्लीज कम इनसाइड। ओके, बट हम ये मीटिंग किसी कॉफी शॉप पे भी कर सकते थे। यस वी कुड हैव, बट आई वांटेड टू सर्व यू अ स्पेशल कॉफी। ओके।